और फिर अगर मैं नस्बतों की बात करूँ आपने मैं? एक नस्बत की जाने तो इशारा किया कि ये सत्ताईस रमजान मुबारक था दूसरी नस्बत ये कि ये जुम्मत मुबारक तीसरी नस्बत इसकी ये है कि अगर इस पाकिस्तान का अरबी में तर्जमा किया जाए तो ये तर्जा मदीना तैयबा बनता है चूंकि पाक तय्यब इस रहने की जगह मदीना तो पाकिस्तान का अरबी तर्जा मदीना तय्यबा बनता है अच्छा फिर उसके बाद आप देखिए नाइनटी टू मवासिलती निज़ाम के लिए जो हमें कोड दिया गया 92 वो इसमें मोहम्मद के आदाद हैं दात के मुताबिक किसी से बात करनी है तो आगाज मुस्तफ़ा के नाम से होगा Allah. और फिर आप दुनिया के पूरे नक्शे को देखें उसमें सिर्फ एक मुल्क पाकिस्तान नजर आता है हुँ. अगर उस नक्शे को गौर से देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे जमीन पर अल्लाह रबुल्जत ने इसमें मोहम्मद के नक्श को रास्ते सुबह ये लागन लागन वो नस्बते हैं जिन नस्बतों के हवाले से अलाम्मद इकबाल भी यही कह रहे थे कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से और यही वो खिता है कि जिसकी जान मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमैन के रुख हैं हम तो ये कहते हैं कि यहाँ बसने वाले सुबह भी मुस्तफा के कदमों की खैरात खाते Allah हैं शाम को Allah भी मुस्तफा Allah के, Allah के कदमों की खैरात क्या, क्या कहने अलामा साहब बहुत खूबसूरत आपने गुफ्तगू फरमाई